सर, आप पिछले 5 सालों में हेल्थ के मिनिस्टर थे, आपने हेल्थ के लिए क्या क्या काम किया? कोई एक काम? ओ, मैंने इतने काम किए हैं। ओ, तू तो चुप कर शेरा। ओ, इतने हॉस्पिटल, इतनी डिस्पेंसरियां बनवाई हैं कि लोग हमारे कदरदान हो गए। ओ, लगाओ भी बस। सर, ये नारेबाजी है सर, स्टूडियो है मेरा, ये आपका जलसा नहीं हो रहा। आपके बकौल आपके बनाए हुए हॉस्पिटल्स अच्छे हैं? जी बिल्कुल जी, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज के साथ हैं। सर, आप यहाँ इलाज करवाया करें ना, आप अपना इलाज करवाने बाहर क्यों जाते हैं? या तो आपके हॉस्पिटल के ऊपर आपको भरोसा नहीं, या तो उस हॉस्पिटल में आपने अपनी फुप्पो का बेटा लगाया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सही है सर, हमने ऐसी ऐसी फैसिलिटीज लगा रखी हैं कि बाहर से लोग आके इलाज करवा रहे हैं। सर, सोमालिया और नाइजीरिया बाहर मुल्क में मैं काउंट नहीं करता। सर, है तो बाहर के मुल्क ना। आप बाहर क्यों जाते हैं वो बताएं। वो जी, हमारे पीर साहब ने कह रखा है कि अगर हम यहाँ इलाज करवाएंगे तो हमारी तबीयत का ज्यादा मसला बन सकता है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है। ये कौन से पीर साहब हैं जो इलाज करवाने के लिए स्विट्जरलैंड भेज रहे हैं? वो जी पीर साहब खुद स्विट्जरलैंड में रहते हैं। तो आप उनके पास जाकर इलाज करवाते जी, हैं? जी, उनकी जेर निगरानी में हमारा इलाज होता है। अच्छा, वरना मैं तो अवामी बंदा हूँ जी, मैं तो अवाम में रहना पसंद करता हूँ। सिर्फ इलेक्शन के दिनों में? ओ नहीं जी, ऐसी कोई कॉल आ रही जिसको 30 करोड़ खरीदना। शेरा, क्या कर रहे हो? कैमरे लगे हुए हैं, माइक नजदीक है। ठीक है बस। छोटा भाई, इसको कट करना है। छोटा भाई नहीं सर, प्रोटा भाई। वही, इसको कट करना है। सर, देख लेते हैं, मुनासिब तो होगा नहीं। तेरा कट करवाना है। ठीक है बस। सर, फुटेज है, खतना नहीं, जो कट करवा दें। आपकी पार्टी के कुछ लीडर अपने पैरों पे खड़े हो नहीं सकते, आपकी पार्टी में आके इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, इनके रहने से मुल्क को कोई फायदा मिल रहा है? इनके रहने से ही पार्टी को फायदा मिल रहा है, और पार्टी का फायदा ही मुल्क का फायदा हुआ ना। पार्टी का फायदा इसलिए क्योंकि सारे के सारे माशाल्लाह से बिजनेसमैन और मिल्स के ओनर्स हैं, तो ये पार्टी को भारी फंड्स तो देते होंगे। इसको अंदर की बातें कौन बता रहा है शरा? ये सवाल कम और नारियल छीलने वाली तलवार ज्यादा चला रहा है। सच बोल रहा है बॉस। बिल्कुल नहीं, सब गलत, सफेद झूठ है ये। सर, आप भी सफेद में ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सारे लीडर्स और ये सारे पॉलिटिशियंस सफेद ही क्यों पहनते हैं? मुल्क का जनाजा पढ़ाने आए? सफेद निशान है सच्चाई का, बेदाग दमन का और साफ किरदार। फिर तो सर आप फौरन से उतार दें। नहीं शेरा, छोटा भाई है अपना। कोई बात, ये क्या करने लगे थे? कुछ नहीं शहराज, शर्ट अंदर करने लगे। शर्ट अंदर वलीमे में आए हैं आप लोग? शायद अनकंफर्टेबल हो रहा हो। दिस केस जिस इंसान पर हो, उसका दामन भी साफ और किरदार भी, ये कैसे हो सकता? छोटा भाई, आपको यहाँ पर एक दाग भी नजर आ रहा है? सर, शर्ट थोड़ी सी नीचे कर लें वरना कुछ और नजर आ रहा है। आपको दाग नजर आ रहा है? नहीं सर। फिर ये केस कूस जिंदगी का हिस्सा है जो हमने इस मुल्क और अवाम के लिए चुन लिया है। ये केस तो मेरे खानदान के हर बंदे के ऊपर है, पर ये केस कूस हमें इस मुल्क की खिदमत करने से नहीं रोक सकते।